29 मई 2021 एक ऐसा तारीख है जो हमें फिर से याद आने वाला है। हम इस तारीख को आपको इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आपको वो घटना याद आ जाए। कौन सी घटना आप पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 29 मई 2021 को बनियापुर में एक घटना घटा। एक सूखा पेड़ था जो कि सड़क पे ऐसे ही स्थित था। वो सूखा पेड़ अचानक से रोड पे गिर जाता है और एक बच्चे की मौत हो जाती है। अब आप इस मामले को समझिए। सारण एक ऐसा जिला है जहाँ पे प्रशासन और पदाधिकारी तब हरकत में आते हैं जब कोई घटना घट जाती है। यहाँ के लोग इस सूखे पेड़ को लेके काफ़ी परेशान हैं। इस सूखे पेड़ से कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन ना इसे पदाधिकारी सुनने को तैयार हैं, ना कोई वन विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी। यहाँ के लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, उन्होंने अपने आवेदन की प्रतिलिपि हमें दी हुई है कि हमने CO साहब को भी आवेदन दिया, उन्होंने कहा कि आप वन विभाग में जाइए और वहाँ पे आवेदन दीजिए। इन लोगों ने वहाँ पे भी आवेदन दिया पर इनका कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। शायद वन विभाग के कर्मचारी, CO साहब या जो भी पदाधिकारी इस मामले का निपटारा कर सकते हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि इस पेड़ से कोई बड़ी दुर्घटना घटे। जगह का नाम हम आपको बता देते हैं, ये सारण जिला का पुछड़ी बाज़ार है और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना और विशालकाय पेड़ है जो कि पूरी तरह से सूख चुका है और टूटने के कगार पे है। ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और इसकी चपेट में कई सारे दुकानें और एक घर भी है। यहाँ पे जो रोड है वो चलंत रोड है और लगभग दिन में लोग हजारों लोग और वाहन गुजरते हैं, फिर भी यहाँ का कोई भी जो समस्या है कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। शायद वो इसी इंतज़ार में है कि ये पेड़ गिरे और कोई मर जाए तब इस पे कोई आधिकारिक कार्रवाई हो। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने कब आवेदन दिया और इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए और उनका जवाब क्या था। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। अच्छा, ये पेड़ के सिलसिले में आप लोगों ने कब आवेदन दिया था? ये देख लीजिए, 7/7/2021। अच्छा, 7 तारीख को? हाँ, जुलाई में। अच्छा, ये किसको आवेदन आपने लिखा है? ये लिखा है वन विभाग प्रमंडल। अच्छा, वन विभाग के प्रमंडल पदाधिकारी को। क्या कहा उन्होंने, कुछ मतलब उसका जवाब दिया? बोले कि इंजेक्शन करने जाएंगे। आइए इधर। क्या नाम है आपका? राजा कुमार। हाँ, राजा कुमार। अच्छा, हम लोग देने गए थे, बोले ठीक है, डेट साइन कर दिया यहाँ पे। हाँ। और बोले कि हम जाएंगे, अधिकारी जाएगा लो जांच करने के लिए। हाँ। 3 महीना हो गया, कोई अधिकारी नहीं आया, देखने भी नहीं आया। हाँ। कोई भी नहीं आया अभी। हाँ। तक ले। हाँ। उसके बाद CO के पास गए आज लेकर। हाँ। तो वो भी बोले कि यहाँ बार बार मत आइए, यहाँ कोई यहाँ नहीं ऑफिस है, तरैया ऑफिस है, यहाँ है ऑफिस है, वहाँ बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, इतना मतलब हम लोग परेशान हो गए हैं, कब गाछ गिर सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है। और 3 दिन से बारिश इतना आ रहा है, आंधी पानी की मत पूछिए, इतना बारिश आ रहा है कि मतलब हमेशा डर रहता है कब गिर जाएगा कब नहीं हो पाए। अच्छा, कोई इंस्पेक्शन करने यहाँ पे आया कि? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, कोई अधिकारी मतलब देखने भी नहीं आया। थाने के पास जा रहे हैं तो थाने के बोल रहा है कि वन विभाग में जाइए। अच्छा, आपने ऐसा कुछ नहीं था कि आप प्राइवेट से कटवा लें इस पेड़ को? प्राइवेट करवाने के लिए बोले तो बोला कि हम इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है, गारंटी नहीं लेंगे हम। क्या बोले? बोले कि आप पेड़ कटवाइए, हम इसको गारंटी नहीं लेंगे, कब का हो सकता है। हाँ। मान लीजिए कि अब हम लोग पेड़ कटवाएं और थाने आकर हमको रोके, मारे पीटे चाहे जेल भेजे, तो हम लोग कैसे कटवाएंगे, यही तो बात हुआ। अच्छा, आपका यहाँ दुकान है? जी, हम लोग का यहाँ दुकान है। बड़ा डर लगा रहता है होगा दिन भर? जी, बराबर जब पानी आता है तब गाछ का पेथी गिरता है, डाढ़ गिरता है, पता गिरता है, जो भी गिरता है, आई बहुत सड़ जाता है। देखिए, ये भी डाढ़ गिरा है बड़ा, मतलब इसका ये डाल टूट के गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें छोटा गिरा हुआ है, अभी बड़ा गिरेगा, मतलब ये टूट के गिर रहा है। और ये दुकान भी पक्का का नहीं है, करकट का दुकान है। हाँ, गिरेगा तो आदमी को बहुत नुकसान ही होगा। तुरंत घटना घटा है बनियापुर में, अभी हाल फिलहाल का घटना है। और हम लोग लेटर भी दिए हैं, अप्लीकेशन वगैरह भी दे रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितना परेशान हैं।
और जो प्रशासन है, जो पदाधिकारी है वन विभाग से जुड़े हुए, वो कितने सुस्त पड़े हुए हैं इस मामले में कि यहाँ पे एक सूखा पेड़ है, डाल उसका टूट टूट के गिर रहा है, यहाँ इतने लोग हैं, अगर एक बार ये पेड़ गिर जाए तो कितने लोग चपेट में आ सकते हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम इससे क्या उम्मीद लगाएं? हाँ, सब लोग यही कह रहा है कि बनियापुर में भी घटना हो चुका है, फिर भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तो अब इससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे कोई पदाधिकारी सुने और जल्द से जल्द इस पेड़ को कटवाए या इसका कोई अन्य उपाय निकाले, क्योंकि अगर ये पेड़ गिरता है तो बहुत सारे लोग चपेट में आ सकते हैं, यहाँ जो भी दुकानें हैं सारी टूट सकती हैं, यहाँ बिजली के खंभे भी हैं, तार भी हैं, हाई वोल्टेज तार भी है, 11,000 वोल्ट का तार है, अगर वो टूटता है तो ये भी टूटेगा, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है, फिर भी प्रशासन ना पदाधिकारी ना कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार है। चलिए इस उम्मीद के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं कि ये हमारे पदाधिकारी तक पहुँचे और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। भारत माता की जय।